रंगाली बिहू हमारा नानू के तरफ से आप सभी को रंगाली बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा नानू को भी अभी देख सकती हो, पूरा मतलब धोती और हमारा SMS गमसा लगा के पूरा रेडी है। वो भी अभी डांस करने वाला है, अभी एक साल के बाद तो पूरा डांस करेगा वो भी। अभी तो सो रहा है, देखो नानू उठो, बिहू बिहू लगी से ना नाना सोनी की तो है। गाइस इस बच्चे का डांस देखो गाइस, इतना प्यारा सा। ओ कानो कानो कानो, तू मत सुन। कानो 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 कानो, अभी तो डांस करके उनका खत्म हो चुका है। आशीर्वाद दियो, दे चलो आशीर्वाद, अभी आशीर्वाद का टाइम। बारक गुसक देखो आको मेरा पूरा तो ओ दे तो कोको जल्दी को गाइस देखो ये लो दे बसरे बसरे एलिसोर सब्सक्राइबर बारक ने 100 के होक ने 1 मिलियन होक ने हेती है लगे। तो देखो हमारा नानू भी आ गया, ओ माय गॉड। मैं और भैया निकल चुके हैं और भैया को भी मतलब मार्केट में कुछ काम है और मैं भी उसी रास्ता से जा रही हूँ। तो मैंने भैया को बोला कि मुझे अजंता के घर पे ड्रॉप कर दो और उसके बाद आप चला जाओ। अरे उधर से चलो, कौन सा रास्ता से जा रहे हो? नंदपुर की तरफ से जाना है ना? अजंता नंदपुर है, बोल नंदपुर है। तो वहाँ पे जाके फोटोशूट करवाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ का, जिंदगी का फर्स्ट टाइम मैं फोटोशूट करवाऊंगी गाइस। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ और रंगाली बिहू के सीजन पे SMS ट्रेडिशनल मेखला चादर के साथ कर रही हूँ तो मजा ही आ जाता है। तो चलो चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, मिलाती हूँ उन लोगों से। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुकी हूँ अजंता मेरी फ्रेंड के घर पे, ये देखो उनका घर है, और अभी उनसे मिलूंगी। अजंता क्या हुआ, ये दरवाजा बंद है क्या? नहीं खुला है, खुला है, खुला है। ये इनका घर, मैंने कॉल किया नहीं कि मैं पहुंच गई, डायरेक्ट जा रही हूँ उनके घर पे। अजंता, ओ अजंता, हो निकल ना बहन, कितना मिस किया तेरे को मैं। ओ भाई कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है, ऐसा एक्टिंग मत कर। आज का हमारा मेकअप आर्टिस्ट, अरे यार क्या कर रही हो तुम, और कल तुमने क्या क्या किया था वो मेरे को बताओ। कल कहाँ गई थी? बिहू देखने। बिहू देखने तो किसको देखा तुमने बिहू से ज्यादा? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी को इतना क्यों देखा? उसका स्किन इतना ग्लो कर रहा था। अच्छा मतलब गाइस मेकअप आर्टिस्ट लोग का प्रॉब्लम ही यही है, जब से मेकअप सीखते हैं ना वो लोग, किसका स्किन ग्लो कर रहा है किसका नहीं। और बाई चांस तेरे को नरेंद्र मोदी से काम मिल गया मेकअप आर्टिस्ट उसका पर्सनल, वो भी तो तू जाएगी? इतना लायक मैं नहीं बनी हूँ अब तक। अभी हम लोग जा रहे हैं अजंता का आंटी का घर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पे ना लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे फोटोशूट करने से और मेकअप करने से ज्यादा अच्छा होगा। रंगाली बिहू में हमारा असम ने पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, 11,000 लोगों ने वहाँ पे डांस किया। नरेंद्र मोदी और बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग भी आए थे, तो मैं तो गई नहीं लेकिन मेरा फ्रेंड गई थी। तो वैसे भी देख सकते हो सारा मेकअप का सामान इस टेबल पे सजा के रखा जा रहा है, और इसके बाद मेरा मेकअप शुरू हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये अजंता ने कौन सा इंस्टीट्यूट से अपना मेकअप का कोर्स कम्प्लीट किया, प्रोफेशनल मेकअप स्टूडियो, और बहुत अच्छा मेकअप करवाता है वहाँ पे घाटी में। व्हाट इज योर नेम? वाओ इतना प्यारी है ना ये, और ये है अजंता का आंटी, इनके घर पे हम लोग फोटोशूट करवाने वाले हैं। मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ, ये इतना स्लो कर रही है, थोड़ा जल्दी करो यार, मुझे अपना सकल पहचान में आना नहीं चाहिए। अजंता इतना चाइनीज कोरियन जैसा होता है ना लोग, ऐसा वाला सकल बना दो मेरे को। वैसे गाइस अभी देख सकते हो मैंने ब्लाउज भी पहन लिया है, और अभी मेरा होने वाला है मेकअप, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। और ये जो ब्लाउज है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा रेड कलर का, मतलब कोई भी पहनेगा ना तो स्किन खुद ही ग्लो करने लगेगा, है कि नहीं? और मेकअप के बाद तो और ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। ऐसा बनाओ ना जैसे कि किसी कोई मेकअप आर्टिस्ट ने आज तक मुझे ऐसा इतना खूबसूरत मेकअप नहीं किया हो, तुम आज ऐसा ही कर लो मेरे को, पूरा खूबसूरत बना दो। मेरा फेस में जो गंदा गंदा कुछ भी था ना सब कुछ निकाल दिया है। तो
वैसे गाइस अजंता और मेरे बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारा बातचीत हुआ 5-6 months ही होगा ना अजंता, ज़्यादा होगा, 1 year तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 7-8 months धीरे धीरे कर 7-8 months हुआ होगा। मतलब हमारा क्या है, मेरा घर और उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, और बचपन से हम लोग एक दूसरे को देखते थे ना, लेकिन हमारे बीच में ऐसा बातचीत तो नहीं हुआ था बचपन में, क्योंकि हम लोग छोटे थे ना, इतना पता नहीं था। तो समीना जो है मेरा फ्रेंड, तो उसके साथ उसका फ्रेंडशिप था, तो हमारे बीच में कुछ बात हुआ था, कुछ सीक्रेट है ये नहीं बता सकती, इसी बात की वजह से हम लोग एक दूसरे से बात करना पड़ा हम लोगों को, तो तब से हम लोगों का थोड़ा फ्रेंडशिप क्लोज हो गया। तो वो हम लोगों को उनके घर पे खाने पे बुलाया था, तो ऐसे अभी आना जाना चलता रहता है, और जब भी फ्री होते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और टेक्स वर्क सब तो चलता ही रहता है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। इस घर पे बैठी हुई थी और रोज़ प्रोजेक्ट करती हूँ, और व्लॉगिंग के चक्कर में ना, मतलब घर पे फ्री बैठने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कुछ ना कुछ करूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा आज बैठी हुई हूँ और अजंता भी आई है वैसे भी, तो चलो उनके साथ मिलके एक फ़ोटोशूट कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं आई हूँ। 4 months ऐसे ही हुआ, मेरा हेयर कट किया, ठीक है, तो मैंने स्टेटस पे लगाया और बोला कि हेयर कट कर दिया, ऐसे ही पार्लर में गई थी मैं, तो उसका फोटो, तो मेरे को बोलते क्यों तुमने हेयर काटा, तुम्हें तो लंबी बाल में अच्छा लगता है, तुम लंबी बाल में खूबसूरत लगती हो। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने हमें खाने पे बुलाया और उनका भी हेयर लंबा था, मैंने देखा ओ हेयर तो इतना छोटा, मेरे को बंदित ज्ञान दे रहा था, मुझे ज्ञान दे रहा था हेयर कटना नहीं चाहिए, लंबा खूबसूरत है, और खुद हेयर कट के बैठी है और मुझे बताया तक नहीं। और यहाँ देखिए एलिस का मेकअप चल रही है। तो गाइस अभी फाउंडेशन लगाया जा रहा है और कैसा लग रहा है देखो फाउंडेशन लगा के। वैसे अभी तो खास नहीं लगूंगी पता है, क्योंकि अभी तो बस मेकअप का शुरुआत हुआ है और फाउंडेशन ही लगाया है। मेकअप कंप्लीट होने के बाद आप लोग फाइनल लुक दिखाएंगे, खूबसूरत लुक दिखाएंगे हमारा, अभी होगा आई मेकअप। तो गाइस आगे से जो अजंता मेरा मेकअप कर रही थी ना, मुझे इतना ज़्यादा आराम लगा, मैं एकदम आंखें बंद करके, मुझे खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मुझे बस नींद सा आ रहा है। तो गाइस फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अभी आप लोग देख सकते हो, अभी रूम के अंदर ना बाहर निकलने के बाद आप लोगों को कुछ और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन मेकअप हुआ अभी तक ड्रेस किया नहीं है, मैं खास तो पहन लूँगी, उसके बाद पूरा फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करो गाइस, थोड़ा सा ना अच्छा लगा। तो गाइस सब कुछ तो हो गया है, अभी मेकअप सदर लगा रहे हम लोग, और ये सब क्रेडिट जाता है अजंता, मतलब मेकअप से लेके ड्रेस से लेके सब कुछ, ज्वेलरी से लेके सब कुछ उनका था, और सब कुछ उन्होंने करके दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और खुद मेरा तारीफ कर रही है। मैं मेकअप आर्टिस्ट इसीलिए नहीं, लेकिन सच में एलिस्टम खूबसूरत लग रही है, और आंटी भी आई है, देखो दिखा दो आंटी को, आंटी कैसी लग रही हूँ मैं, बहुत सुंदर दिखाओ ना आंटी को, बहुत सुंदर। फाइनली मेरा लुक कंप्लीट हो गया, सभी देखो मेरा पूरा फुल लुक इतना साल के बाद। वैसे तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि बचपन पे मैं बिहू डांस बहुत करती थी, और बिहू डांस करने की वजह से मैं बहुत सारा प्रोग्राम पे अटेंड करती थी, और साथ में फ्लावर नहीं लगाया, स्टेज प्रोग्राम के लिए हम लोग को इन्वाइट करता था, तो हमेशा जाती थी। आज फिर ये ड्रेस पहने है तो इतना ज्यादा खुशी लग रहा है ना, और ये पहनने के बाद बिहू डांस ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो चलो ऊपर चलते हैं, उसके बाद बिहू डांस करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं अजंता के घर पे, मतलब ऊपर में हम लोग थोड़ा रील्स भी बनाएंगे, और साथ में थोड़ा फोटोशूट भी करना है, और कुछ पिक्चर्स क्लिक भी करना है मेरा थंबनेल के लिए, तो इसीलिए हम लोग 2 बज चुका है, तो 2 बज गया, इसलिए धूप थोड़ा बहुत कम होने लगा है, तो इसीलिए धूप में ही तो फोटोशूट वो सब अच्छा होता है ना, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। फोटोशूट रील्स बनाना सब कुछ खत्म।
अभी हम लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा पानी वानी पीना है। और इधर से ना ऐसा सीढ़ी से मुझे उतरने में डर लगता है, पता है साइड साइड में कुछ नहीं है ना हैंडल वैंडल, तो इसीलिए। वैसे आज अजंता आ जाओ जल्दी, तुम्हारा घर का पानी पिलाओ और हम लोग भी अभी निकलते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और गाइस आप लोग को एक अच्छा बात बोलना है, आप लोगों को ब्राइडल मेकअप या सूटिंग के लिए किसी को भी मेकअप का जरूरत है तो आप लोगों का मैं अजंता का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग उनको मैसेज करो या व्हाट्सअप में टेक्स्ट कर सकते हो, उनसे कॉन्टेक्ट करो, बात करो और आपको जैसा जिस तरीके का आपको मेकअप चाहिए आपको ऐसा मेकअप मिल जाएगा, उनसे आप अपना मेकअप करवाओ, बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है। वैसे आंटी घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है, इसीलिए अजंता ने कॉल किया उनका मम्मी को कि मम्मी आप कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला जहाँ पे मेकअप किया था तुम लोगों ने फिर वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे पानी वानी पी के और मैं भी अपना ड्रेस चेंज कर लूँगी, मतलब जिसके लिए काम था वो सभी काम खत्म हो चुका है, तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस मतलब मैं आप सभी को बोलती हूँ ना और कहना चाहती हूँ, आप लोग वैसे अभी कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोग ऐसे घर पे हो तो कुछ करो, कुछ भी करो जो आपको मन करे, लेकिन सो के वेस्ट मत करो अपना दिन, क्योंकि हमारा जो एक एक दिन ना बहुत कीमती होनी है। मेरी मम्मी भी मोटी, तुम्हारा मम्मी मोटी, सारा दुनिया ही मोटा मोटी है कि नहीं। ये आंटी ने भी बहुत ज़्यादा मदद किया मुझे मेरा ड्रेस लगाने में, क्योंकि मेरा ब्लाउज ना बहुत ही ज़्यादा लूज हो रहा था, तो आंटी अपना चूड़ी में पिन लगाया हुआ था तो निकाल के मुझे लगा के दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा मम्मी जैसी है, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। मैम 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 प्लीज़ प्लीज़ मैम 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 रुकिए, तो मैम लेफ्ट में, मैम मैम राइट में, मैम मैम यस यस स्माइल आप लोगों को बताइए कि दिन भर हम लोग शूटिंग मेकअप ड्रेस वो सब करने में इतना मेहनत किया था, इसीलिए घर पे आके मैं सो गई। तो आज तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो को भी एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाइस प्लीज 5000 लाइक करवा दो इस वीडियो पे।